हेलो गाइज, वेलकम योर चैनल। आज हम देखने वाले कैसे विंडो 11 को पेनड्राइव में बूटेबल करते हैं। चलिए डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, यहाँ पे मैं गूगल क्रोम के यूज़ कर रहा हूँ। गूगल क्रोम में जाएंगे और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे जिसे बूटेबल करने के लिए। मैं रिफ्यूज सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। रिफ्यूज साइट में जाएंगे, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डाउनलोड का ऑप्शन है, वो यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। अभी डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया सर। डाउनलोड होने पर उसको देखेंगे कहाँ पे वो डाउनलोड सेव हुआ है। डाउनलोड फाइल में जाएंगे, यहाँ पे हमारा हो गया है डाउनलोड। उसको हम डेस्कटॉप में शॉर्टकट में बना देंगे। अभी हम जाएंगे विंडो 11 iOS फाइल डाउनलोड करने के लिए। क्रोम में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे विंडो 11 iOS। पहला वाला क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक मल्टीपल इंग्लिश मल्टीपल विंडो वाला डाउनलोड, उसको क्लिक करेंगे। नीचे डाउनलोड है उसको क्लिक करेंगे। नीचे क्लिक करने के बाद वो लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्शन करेंगे और नीचे कंफर्म करेंगे। नीचे आ गया 64 बिट का, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए विंडो 11 इंग्लिश वाला 64 बिट iOS वाला डाउनलोड हो रहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं उसको स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा सा। अभी हमारा विंडो 11 ख़त्म हो गया है डाउनलोड। अभी देखें कहाँ पे सोर्स पहले डाउनलोड में अभी वो सेव हो गया है। अभी हम वो मेरा 16 GB का पेन ड्राइव है, उसको हम पीसी में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद चलिए कनेक्ट करते हैं। वो कनेक्ट हो गया है। अभी पीसी में चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। अभी रिफ्यूज को ओपन करते हैं रॉन एडमिनिस्ट्रेटर में जाकर। अभी ओपन हो गया है, सिलेक्शन बटन क्लिक करेंगे। जो जहाँ पे हमारा विंडो 11 का डाउनलोड फाइल था यहाँ पे जाके उसको क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। यहाँ पे MDP और GPT दिखा रहा है, GPT सिलेक्शन करेंगे। UEFI मोड में ही रहना है इसको। उसके बाद उसको हम स्टार्ट करेंगे। अभी पेन ड्राइव पूछ रहा है कि फॉर्मेट करने के लिए, मैं अभी ऐसे ही कर दूंगा फॉर्मेट के लिए। अभी वो स्टार्ट हो गया है। इसको UEFI में ही करना है क्योंकि ज़्यादातर लैपटॉप UEFI मोड में आ रहा है, तो वो वाला पेन ड्राइव UEFI में काम करेगा तो
जो वाला बायस यूएफपी में मोड में रहेगा वो वाला पेन अच्छा काम करेगा, नहीं तो लिगेसी मोड में वो काम नहीं करता है। ठीक, नीचे में विंडो 11 आईओएसओ फाइल और रिव्यूज का डाउनलोड फाइल का लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हमारा खत्म होने वाला है, बेंडेबल बूटेबल अभी खत्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे कैसे उसको इंस्टॉल करना है। थैंक्स एंड जय हिंद, जय किसान।